अभी हम निकल चुके हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए, निकल पड़े। ये पहले तो दोनों रोने लगे थे, मैंने बोला कि पिज़्ज़े के पैसे मेरे पास है नहीं, लेकिन काफ़ी प्रैंक तो करना चाह रहा था इनके साथ, लेकिन प्रैंक हुआ नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी इनको तड़पाया वगैरह। अभी पिज़्ज़े के लिए ले जा रहे हैं, ये पुल के साथ खड़े हैं राठौर हरियाम पुल मीरपुर में, इंजॉय करेंगे, पिज़्ज़ा खाते हैं, मिलते हैं आगे। बाजी की रेसिपी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एक मैदे की रोटी होती है, वो एक तरीके से डो बनाया जाता है, तो उस रोटी को बेलने के बाद उसको तवे पे सेका जाता है, फिर उसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाया जाता है, फिर उसके ऊपर सेका जाता है, उसके ऊपर फिर पिज़्ज़ा सॉस लगा के फिर उसके ऊपर चीज़ डालते हैं, उसको सारा मैरिनेट करके, और उसके बाद फिर उसको उस पर डाल के रोटी पे, फिर उसके ऊपर फिर से चीज़ डाल के, और उसके ऊपर ऑलिव्स डाल दें आप काट के, फिर आप डाल सकते हैं उसके ऊपर कैप्सिकम डाल सकते हैं, उसके बाद आप ऑनियन डाल सकते हैं, ये चीज़ें डाल के आप उसको 10-15 मिनट में बन जाता है, 15-20 मिनट में बन जाता है, उसके बाद ओवन में उसको बेक किया जाता है। तो मनान भाई आप बताएं पिज़्ज़े का कैसा टेस्ट है, और पिज़्ज़ा आपने खाया कभी पहले या मेरी तरह खाया ही नहीं है? मैंने बहुत बार खाया है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तकरीबन 10 साल पहले खाना शुरू किया था, 11 साल उससे पहले नहीं खाया था, लेकिन 11-12 साल में खाते थे, ठीक है। और इशू ये है कि अभी आपके पास कुछ पैसे मुझे पता चले, तो मुझे डर ये है कि आप फर्स्ट टाइम खा रहे हैं, ये ना हो कि एक हफ्ते के बाद या एक महीने के बाद आपने सारे पैसे ख़त्म किए और पिज़्ज़ा खा के अभी तक आपको टेस्ट नहीं पड़ी इसकी, आज के बाद आप बहुत पिज़्ज़ा खाने वाले हैं, ठीक है। पिज़्ज़ा बेसिकली इटली में आज से तकरीबन 100 साल पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, एक आदमी था, उसने रोटी के ऊपर चिकन डाल के ये चीज़ें डाल के उसने बनाया, और चीज़ भी आई थिंक इटली में बनाया, और इटली में 120 से ज़्यादा किस्में, यानी 500 से ज़्यादा किस्में हैं पिज़्ज़े की, और उनकी ये नेशनल डिश है, तो दुनिया में हर जगह पर पिज़्ज़ा खाया जाता है, आई थिंक कोई ऐसा कंट्री नहीं होगा जिसमें पिज़्ज़ा लाइक नहीं करते, और दुनिया भर में लोग इसको पसंद करते हैं, बड़ी अच्छी डिश है, सो आई होप यू ऑल्सो लाइक इट। ये बोल रहे हैं पिज़्ज़ा तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैंने कभी खाया नहीं है, पैसों की बात नहीं थी, लेकिन पिज़्ज़ा फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ, क्योंकि दरअसल पिज़्ज़ा और बर्गर और स्पाइसी चीज़ें कोई भी है वो कभी खाने का दिल नहीं करता था, तो फर्स्ट टाइम पिज़्ज़ा खा रहा हूँ। ये दोस्त मुझे हंस रहे हैं कि आप फर्स्ट टाइम पिज़्ज़ा खा रहे हैं, दरअसल पिज़्ज़ा फर्स्ट टाइम ही खा रहा हूँ। तो आपने पहले इस होटल पे आए थे आप पहले? Yes. कब आए थे आप इस होटल में? 3 वीक पहले। 3 वीक पहले, तो आपने कितने का पिज़्ज़ा ऑर्डर किया? तकरीबन 2500। हाँ, इन्होंने तो 2500 का पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम जो है पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, पता नहीं पिज़्ज़े का कैसा टेस्ट होगा, ये तो मुझे बता रहे हैं कि बहुत अच्छा टेस्ट होगा। 2799 रुपीज़ है। 27 अच्छा, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ, तो आप मेरे बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं फर्स्ट टाइम पिज़्ज़ा खा रहा हूँ। यार मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको पहला इंसान दुनिया में देखा है जो अपनी बेस्ती खुद गिरा रहा है। आप देखिए आपकी सोच क्या है, आप ये कैश करना चाहते हैं कि मैं पहली बार पिज़्ज़ा खा रहा हूँ? देखिए मैं 19 साल का हो गया हूँ, लेकिन आज तक कभी पिज़्ज़ा नहीं खाया, पहली बार पिज़्ज़ा खा रहा हूँ। उस्मान साहब आप मेरे बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं आपके लिए कहता हूँ कि आपको केवल आपको घूमना फिरना चाहिए, नई नई डिशेज ट्राई करनी चाहिए। आप जो है ना आदमी किस उम्र में नहीं जाएँगे, घूमेंगे फिरेंगे खाएँगे पिएंगे नहीं, तो किस उम्र में जाएंगे? स्पाइसी चीज़ है इस वजह से खाई नहीं है, लेकिन आज ट्राई करते हैं। चलें अभी पिज़्ज़े को टेस्ट करते हैं, फिर पिज़्ज़े को टेस्ट करके बताते हैं कि पिज़्ज़ा कैसा है। हाल में कोई ये प्लेटें वगैरह आ गई हैं, 1, 2, 3 प्लेटें, 4 प्लेटें, और ये कचप वगैरह भी है, पेप्सी बोतल भी लें, और ये कचप वगैरह भी है, पेप्सी बोतल भी लें, चिकन विंग्स हैं, ये कोई चिकन विंग्स वगैरह हैं, तो ये मेरे हाल में अच्छी सी विंग्स होंगी। किसकी विंग्स होती हैं ये?
चिकन विंग्स होती हैं मैंने आधी खाई है, पहली बार खा रहा हूँ इसी वजह से आधी खा रही है। ये चिकन भी पहली बार खा रहा हूँ, डाल रहा था लेकिन थोड़ी टेबल खराब हो चुका है। अभी ये ग्लास से इस ग्लास में पानी डाला है, अभी तक से इसमें डालने वापस पीनी है। ये पिज़्ज़ा आ चुका है मुझे, मैं इसको पिज़्ज़ा समझ रहा था बोटियों को, लेकिन ये पिज़्ज़ा आ चुका है तो मेरे ख्याल से अच्छा पिज़्ज़ा है। अभी खाते हैं, टेस्ट करते हैं। चिकन विंग्स पहली बार खाएं, बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी डिलीशियस टाइप के चिकन विंग्स थी। खाते खाते सबसे पहले मैंने गले में रखा, जैसे ही चिकन विंग्स को गले में रखा बहुत ज़्यादा टेस्ट आया। हमने पिज़्ज़ा काटना शुरू किया है, पिज़्ज़ा काट रहा है। सबसे पहले मैं नान ने छुरी ली है, मैं नान चाह रहा है, मेरा हिस्सा ज़्यादा बने लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। ये दोनों बोटियों भी खा चुके हैं मुझसे, अभी बोटियों भी ख़त्म नहीं हुई तो मैंने ये देखें, अभी मेरे पास दोनों बोटियां बची हुई हैं। ये बोटियां भी खा चुके हैं, पिज़्ज़ा भी आया हुआ है। मैं नान ने जो है ना बोतल क्यों इधर रखी हुई है, ये देखें मैं नान सारा टेबल खराब कर चुका है, गंद डाल चुका है, पिज़्ज़ा कभी खाया नहीं है इसना, इसी वजह से गंद डाला है। तो सबको पता किसने खाया किसने नहीं खाया, पिज़्ज़ा कभी खाया नहीं है इसी वजह से गंद डाल गया। तो पिज़्ज़ा सच्ची बात है मैंने कभी नहीं खाया और पहली बार खाया है, अच्छा है लेकिन मज़ा नहीं आया, पता नहीं कोई स्वाद टेस्ट वगैरह उस तरह का नहीं आया, लेकिन बहरहाल अच्छा था। बोटियाँ अच्छी थी, बोटियाँ जो है ना वो कुछ ना कुछ अच्छी थी, लेकिन पिज़्ज़े का इतना स्वाद नहीं आया। खाया ही एक ही चम्मच लिया था लेकिन उतना स्वाद नहीं, क्योंकि याद ही नहीं थी। ये छुरी से भी काट रहे हैं, एक तरफ मेरे हाथ में कोई छुरी लगा रहे हैं और ये काट रहे हैं, मैं नान लगातार छुरी मारता जा रहा है और पिज़्ज़े को और पिज़्ज़ा खाता नहीं तुमता जा रहा है, बल्कि बहुत घूम रहा है। तो मुझे खाया नहीं जा रहा क्योंकि मैं पहली बार खा रहा हूँ, इससे भी पिज़्ज़े का एक पीस खा चुका हूँ, लेकिन बस क्या पूछते हैं दिल का हाल, जितनी ये तारीफें पिज़्ज़े की कर रहा था मैं नान, बिल्कुल उतनी कोई तारीफ का मज़ा नहीं आया, इतना टेस्ट नहीं आया जितनी ये बड़ा चढ़ा के पेश कर रहे थे। हाँ मज़ा आया, बहुत मज़ा आया लेकिन जो भी है मतलब पिज़्ज़ा भी अच्छा था, मैंने पहली बार खाया बड़ा टेस्टी था। ये इसने मेरे ख्याल में दूसरी बार खाया, ये पहले से कह रहा था एक बार खाया हुआ है लेकिन ये अभी मेरे ख्याल में दूसरी बार खाया। तो मैंने पहली बार खाया है एक बूटी, पहले सबसे पहले एक बूटी खाई है फिर दूसरी, और इसने जो है ना कुछ भी नहीं छोड़ा, अभी तीन चार पीस खा चुके हैं, मुझे खाया नहीं जा रहा क्योंकि पहली बार खाए हैं, लेकिन अलबत्ता पिज़्ज़ा मज़े का था, इतना भी मज़े का नहीं था लेकिन मज़े का था। मक्खी भी बैठ चुकी है उधर से, बिल भी आ चुकी है, बिल देखेगा मक्खी बिल जैसे ही देखूंगा तो मक्खी सारी उड़ जाएंगी। बिल कितना है वैसे, ये मेरे ख्याल में किताब में आया हुआ है, किताब को खोल दिए, किताब को ओपन करते हैं। मैंने अभी पिज़्ज़ा खाया नहीं था, लेना बिल बाद में देना। नहीं, बिल को देखना ज़रूरी है क्योंकि जेब में नहीं, हमारे सिरे नहीं, मेरे सर में नहीं मारना, मेरा सर बहुत छोटा है, अपने सर में मारो, मेरे सर की। ये बिल को खोलते हैं, बिल को ओपन करते हैं, ये चिट्टा सफेद कागज था, इस कागज के ऊपर जो है ना 1700 रुपया, 1700 रुपया बिल आया है। तो मेरा तो बिल देना ही नहीं है, मैं तो नहीं बिल देगा। अच्छा नहीं, मजाक कर रहा था, नहीं मजाक कर रहा था। सुबह ये दोनों बहुत ही रोए, मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, और ये बहुत रोए, मैंने कहा कि मेरे पास नहीं है पैसे, मैं पिज़्ज़ा नहीं खिला सकता। अभी बिल को पे करते हैं, Here we go. फाइनली बहुत मज़ा आया, मजाक कर रहे थे बीच में, थोड़ी मजाकें वगैरह भी हुई उस्मान भाई के साथ भी की, मन्नान भाई के साथ भी मजाक की, तो बड़ा मज़ा आया। पहली बार पिज़्ज़ा खाया, बहुत ही मज़ा आया, डिलीशियस है। तो
काफ़ी इंजॉय किया, बाइक पे आए तकरीबन काफ़ी घूम फिर के आए, इंजॉय किया। पिज़्ज़ा भी प्यारा था और प्यारी भी प्यारी थी, चम्मच भी प्यारे थे, अच्छा बोटियाँ भी प्यारी थी, कचब भी प्यारी थी। तो अभी रहमान भाई जो है ना उल्टे बाइक पे बैठ चुके हैं, देखें इनकी हालत चेक करें, बाइक सीधा खड़ा हुआ है, उल्टा बैठ गए। तो रास्ते में हमें उधर से चक्कर घुमा के ले आए, तो पिज़्ज़ा खा के वापस टूट चुके हैं। तो उल्टी साइड से मेरे हाल से टूट रहे, तो उल्टी साइड से टूट रहे, अभी सीधी साइड से जा रहे हैं। ये अभी सीधी साइड पे एंटर होने वाले हैं, ये देखना उल्टी साइड से हम जा रहे थे। तो ये है मतलब हम दिन को आए थे, तो अभी काफ़ी रात हो चुकी है, वापस हम जा रहे हैं।